सैकड़ों कांजियां और हजारों वोकैबुलरी और सबसे इंपॉर्टेंटली N3 की इतनी बड़ी दोकाई जो कि एक बार में पार करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। N3 का पूरा पेज भर के पैराग्राफ जब आता है तो उसके अंदर हजारों सैकड़ों वोकैबुलरी होती है, बहुत सारी वर्ब होती हैं, बहुत सारी ग्रामर होती है। इन सबको एक ही बार में हम किस तरह से सॉल्व करें, एक ही बार में हम किस तरह से याद करें। N4 N5 तो हमने किसी तरह से कर लिया, लेकिन N3 N2 आते आते हमने देखा कि स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। पहली बार हमेशा हमेशा फेल ही होते हैं, अगली बार पास हो पाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज इन सब चीज़ों को मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आज जो हम करने वाले हैं वो एक दोकाई, जो कि दोकाई आपको सबसे ड्रेडफुल लगता है, सबसे मुश्किल लगता है, सबसे ही कम आसानी से सॉल्व करने वाला पोर्शन लगता है। उसके ही जरिए हम ये सीखेंगे कि कांजी जो कि लगभग 360, 370, 380 कांजी हैं N3 के अंदर और वोकेबलरी का नंबर पहुंच जाता है 3500 से भी ऊपर, वो हम दोकाई के थ्रू ही सीख सकते हैं सिर्फ एक बार में। आइए फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि दोकाई ही नहीं बल्कि चौकाई पर भी इस टेक्निक से हम कैसे कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली N3 लेवल या फिर N2 लेवल जो कि थोड़े से एडवांस लेवल कहे जा सकते हैं, उनमें कांजी को सीखने का गलत तरीका होता है कि आप इतनी सारी कांजी या इतनी सारी वोकैबुलरी को लिखने बैठ जाएं और लिखते लिखते ये सोचें कि अब मुझे ये कांजी आ गई है तो मेरी दोकाई भी सॉल्व हो जाएगी। जी नहीं, यही चीज़ मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन से इस दोकाई को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बारी चाहता हूँ कि आप इस दोकाई को पॉज करें, इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इस दोकाई को सबसे पहले अपने आप सॉल्व करें और एक आंसर निकालें, 1, 2, 3, 4 में से एक आंसर अपने आप निकालें और उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपने एक आंसर निकाला होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर 4 क्यों है। तो अब आपने ये देखा है कि ये जो स्लाइड है इसमें आपको कांजी की रीडिंग और मीनिंग भी मिल रहा है आपकी हेल्प के लिए, एक्सप्लेनेशन की हेल्प के लिए, लेकिन आपको ऑब्वियसली JLPT में रीडिंग या मीनिंग तो नहीं मिलेगा। इसीलिए ही आपको जैसे ये जो कांजी आई हुई है किकाई, शियो, देंची, इनको इस ही दोकाई के थ्रू सीखना है। आपने अगर पहले दोकाई बिना किसी कांजी के भी निकाली है और उसके बाद आपको सीखने को मिला कि मैंने गलती कर दी या मुझे मीनिंग नहीं पता था और अब मैंने ये सीखा है, तो यही सही तरीका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा हमने कि ऊपर नोटिस है ये, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में वो क्या समाए, ए का मतलब होता है इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए हमने ये नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है। तो कस्टमर्स के लिए नोटिस है, कोनो किकाई देवा, कोनो किकाई दे शियोश तेरु देंचीवा, इस मशीन में जो यूज होने वाली बैटरी है, देंची का मतलब होता है बैटरी, ये तो N4 में ही है, किकाई भी N4 में ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर N4 का पूरा नहीं आता तो आप N3 की दोकाई से, दोकाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपको कांजी भी, वोकेबलरी भी और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। कोनो किकाई दे शियोश तेरु देंचीवा, इस मशीन में जो यूज होने वाली बैटरी है रिसाइकलगा कानो देस, उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है, कानो का मतलब होता है पॉसिबल। स्काई ओवत्ता देंचीवा स्टेजनी, पहले हमने देखा स्काई ओवत्ता, ये तो N4 में ही पैटर्न हमने सीखा है, जिस चीज़ को पूरा आपने ख़त्म कर दिया है यानी कि यूज़ करके जो बैटरी ख़त्म हो चुकी है वह स्टेजनी, ये जूनी पैटर्न भी हमने N4 में सीखा हुआ है कि नाई दे की जगह हम जू नी लगाते हैं, मतलब वही होता है बिना करे या फिर विदाउट, यानी कि स्टेमास का मतलब फेंकना, यानी बिना फेंके, यानी कि यूज़ की हुई बैटरी को आप बिना फेंके, ओसुमाइनो माचिया, ओसुमाइनो माचिनो सेफुनो, यानी कि आप जिस माची में रह रहे हैं, माची मतलब टाउन या सिटी या जगह, जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसके सेफु यानी गवर्नमेंट की काइशु हो नीश तकाते, यानी कि जापान में सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट भी आपसे रिकवर करती है यूज्ड बैटरीज को और उसको रिसाइकल करती है। तो यहाँ लिखा है कि आप उसमें भी रिसाइकलिंग करवा सकते हैं, अपनी बैटरी को वहाँ भी दे सकते हैं। काइशु हो नी शितागाते, काइशु मतलब रिकवरी, हो मतलब मेथड, नी शितागाते का मतलब होता है के अनुसार या उसके हिसाब से, तो आप उस मेथड के हिसाब से या उस मेथड में ही रिसाइकलनी दाश्ते कुदासाई, रिसाइकल में आप उसको दे सकते हैं। नाउ, नाउ का मतलब होता है एक बात और या फिर ऑल्सो, जैसे एक इन्फॉर्मेशन हमने दी तो उसके बाद एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन और देनी है, तो नाउ स्टार्टिंग में आता है। तोशा देमो काइशुष्ते रिसाइकल ओसुरु साबिसो ओकनात्योरिमास,
तोशा का मतलब होता है हमारी कंपनी, या आप एंथ्री की अगर दोकाई रीड करेंगे तो आपको काफ़ी बार ये देखने को मिलेगा तो होते रहो तो को तोशा, यानी कि इन सब का मतलब होता है हमारा होटल, हमारी कंपनी, हमारा स्कूल। तोशा देमो काइशुष्टे, यानी हमारी कंपनी भी काइशु करके रिकवरी करके आपसे इस बैटरी की रिकवरी करके रिसाइकल कर सकती है, ऐसी सर्विस को हम कंडक्ट कर रहे हैं। ओकोनाओ का मतलब होता है कंडक्ट करना। देखिए आपको लग रहा होगा काफ़ी मुश्किल कांजी है, काफ़ी मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन ये आधे से ज़्यादा N4 के हैं। और अगर आपने N4 में याद नहीं करा या बहुत ही बॉर्डर पर आपका N4 पास है तो आप N3 में ही इन वर्ड्स को सोचिए कि मेरे लिए कोई बात नहीं, आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, मुझे याद करना ही है और आगे बढ़ना ही है। और जो भी मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, चाहे अपने वीडियोस में चाहे अपनी क्लासेस में देता हूँ, वो सिर्फ पास होने की ही गाइडलाइन है। तो आपको चाहे वो पसंद आए या पसंद ना आए, करना तो यही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हमारी कंपनी भी आपसे बैटरी रिकवर करके इसको रिसाइकल कर सकती है, ऐसी सर्विस हम कंडक्ट कर रहे हैं। रिसाइकल हो होगा वकारा नहीं कतावा, जिन लोगों को रिसाइकलिंग का मेथड नहीं पता है वो काता, यानी कि वो हितो, यानी कि वो लोग। तोशानो देंची काइशु गाकारी मादे, यानी हमारी कंपनी के देंची बैटरी काइशु मतलब रिकवरी, गाकारी का मतलब होता है इंचार्ज, यानी बैटरी रिकवरी इंचार्ज मादे। मादे इसलिए लगाते हैं कि उन तक आप कॉन्टैक्ट करें या फिर उन लोगों को कॉन्टैक्ट करें। तो हमारी कंपनी के इंचार्ज को कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट नहीं मतलब उसको आगे क्या करना है लिखा हुआ है, शियो जुमी देंचियो ओकरी कुतासाई, उसको भेज दें, हमारी कंपनी के इंचार्ज को बैटरी, यूज्ड बैटरी भेज दें। तादाशी, ये कब आता है, ये तब आता है जब हम पीछे जो भी कंडीशन दी हुई है उससे एक उल्टी बात बता रहे होते हैं, तब आता है तादाशी। इसको आप लेकिन भी कह सकते हैं, हाउएवर भी कह सकते हैं। सोर्यो वा ओ क्या सामानो गोफुतान निनारिमास, सोर्यो यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसमें आप कांजी देख रहे हैं ओकुरु की कांजी, और रियो होता है चार्जेस, यानी भेजने के चार्जेस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो भी आप बैटरी को पैक करके पार्सल करेंगे या जो भी करेंगे पोस्ट करेंगे उसके पैसे वो ओके अक्सामा को ही देने पड़ेंगे, यानी कि कस्टमर को ही देने पड़ेंगे। आगे जो एंड में कांजी है गो फुतान निनारिमास, इसका अलग से मतलब होता है बर्डन, तो यहाँ पर इसका मतलब बना कि ये आपका ही जो एक्सपेंस है वो आपका ही बर्डन बनेगा। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे ये कांजी है फुतान देंची गाकारी हो तोशा किकाई देंची शियो कानो, इन सब को बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह दोकाई से ही सीखना है। ये सारे सारे मेथड छोड़ दीजिए लिखना या वोकैबुलरी को लिस्ट के तौर पे, वो ठीक है लेकिन वो आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा और वो गलत तरीका होता है। इवेंचुअली आपको दोकाई से ही वो सीखने को मिलेगा। अगर आप दोकाई करने के बाद वापस उस तरीके पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मुझे ऑलरेडी आता है, लिस्ट के तौर पे आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 90% लिस्ट में से वर्ड्स मुझे ऑलरेडी आते हैं क्योंकि मैंने 3 बार 4 बार 5 बार दोकाई को बोल बोल के रीड किया हुआ है अपने आप खुद। तो फिर से इस वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इस दोकाई को, जो सॉल्व दोकाई है, उसको भी अपने मुँह से बोलिए। ये आपको खाली वोकेबलरी ही नहीं, दोकाई नहीं बल्कि इवन चोकाई में, काइवा में भी काम आएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोनो की काइनो देंचिनी सुइते तादाशी नोवा दोरे का, इस बैटरी सॉरी इस मशीन की बैटरी के बारे में सही बात क्या है। इसका आंसर 4 क्यों है, पहले 4 सही क्यों है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 1, 2, 3 गलत क्यों है। हाँ, ये चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम में भी आपको ये चेक करना है कि फटाफट से कोई अच्छा लगा मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी आपकी। आपको पूरा पूरा चेक करना है कि बाकी 3 गलत क्यों है, वो भी जाके आपको दोकाई में देखना है। और इन सब के लिए अगर आपको लगे कि इतना टाइम कहाँ से आएगा, तो प्लीज़ यही होती है प्रैक्टिस, इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, 5 बार 6 बार दोकाई को रिवाइज कीजिए, जो करी हुई दोकाई है उसको ही रिवाइज कीजिए, आपकी स्पीड बहुत बहुत तेज़ हो जाएगी। तो चलिए 4th ऑप्शन है सोरे ओ फुतान सरेबा, यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फुतान कर लें, यानी कि बर्डन यानी बियर कर लें, अपने ऊपर झेल लें, तो कोनो काइशा देमो इस कंपनी में भी शियोजुमी देंची नो रिसाइकलो स्टेकुरेरू, ये कंपनी भी यूज्ड बैटरी की रिसाइकलिंग आपको करके दे देगी। तो यही सही आंसर है। अब देखते हैं 1, 2, 3 में क्या गलती है। 1, शियोजुमी देंची वा जो यूज्ड बैटरी है कानाराज कोनो काइशा नो दे, तो कानाराज की वजह से गलत है क्योंकि डेफिनेटली आपको इस कंपनी से ही रिसाइकल करवाना है, क्योंकि एंड में लिखा हुआ है स्टेमोरावाना केरे बनाराना ही, तो डेफिनेटली आपको इसी से कराना है, इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने सरकार, सिटी की सरकार को भी दे सकते हैं या फिर हमारी कंपनी को दे सकते हैं। और सेकंड भी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें भी लिखा है कि डेफिनेटली आपको सरकार से ही करवाना है, सेफू का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट, इसलिए 1 और 2 गलत है। थर्ड देखते हैं, ये जो कंपनी है कोनो काइशा देवा शियोजुमी देंचिनो रिसाइकल, यानी यूज बैटरी की जो रिसाइकलिंग है, नो साबिस वो ओकनाते नहीं, इसकी सर्विस वो कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि साफ साफ ऊपर लिखा है कंडक्ट करते हैं। तो ये मैं कहूँगा ये काफ़ी आसान दोकाई है, इससे थोड़ा सा और टफ लेवल होता है लॉन्ग दोकाई का, शॉर्ट दोकाई का इससे थोड़ा सा आसान होता है,
एंथ्री की ही बात कर रहा हूँ मैं, एंथ्री लेवल में शॉर्ट दोकाई, इससे थोड़ी सी ये भी शॉर्ट ही है, मतलब इसी लेवल की आप समझ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग दोकाई के लिए आप पहले शॉर्ट से शुरू करें, तेज़ी से रीड करने की प्रैक्टिस बनाएं, और फिर से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कांजी को लिख लिख के या एक एक कांजी की रीडिंग ओनियो में क्या होती है, कुनियो में क्या होती है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा सही तरीका है, पहले दोकाई से मैं नई कांजी को सीख लेता हूँ, उसके बाद चाहे मैं जो मर्जी करूँ, और आप धीरे धीरे जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सो ऑल द बेस्ट, इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि N2, N3, N1 तक की दोकाई को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, लोगों की मत सुनिए, सिर्फ और सिर्फ एक N1 क्वालिफाइड ट्रेनर की बात सुनिए, जो कि आपको ये पूरी पूरी तरह से बता सकता है कि फेल होने के भी क्या तरीके होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे जो खुद भी फेल हो चुके हैं और आपको भी वही तरीका सिखाएंगे, पहले कांजी याद कर लो उसके बाद दोकाई करते रहना, फेल हो जाओगे। सो प्लीज़ इसी तरह से हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।